आगरा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध अपने चरम पर है, यहाँ तक कि प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आलम यह है कि लोग अब तो जेलों में भी सुरक्षित नहीं है और प्रधानमंत्री हमारे शिलान्यास का दोबारा शिलान्यास करने में लगे हुए हैं। वे पार्टी से महासचिव की पत्नी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। लेकर के जब मैं यहाँ आया था तो मैं भी उन बच्चों से मिला था, उन लड़कियों से मिला था जिनके साथ ऐसी दर्दनाक घटना हुई है, और उनकी एक अपनी कहानी है, दुख भरी कहानियाँ हैं उनकी। ऐसे जीवन यापन करना और एक कैफे चला करके जीवन यापन करना एक समाज का अच्छा चेहरा दिखाई देता था कि हाँ, ये समाज ऐसी बेटियों को भी स्वीकार कर रहा और ऐसी बेटियों का भी मनोबल बढ़ा रहा। आप देखो बीजेपी के लोगों से, अरे न जाने कितना इल्लीगल काम आगरा में हो रहा होगा, वो काम नहीं दिखाई दे रहा होगा। अधिकारी खुद इल्लीगल काम कर रहे होंगे, वो नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन क्योंकि बेटियां वो काम कर रही हैं उसको तोड़ दिया। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं और आपके माध्यम से उन बेटियों को कि जब भी समाजवादी सरकार बनेगी हम उन्हें सबसे बेहतरीन जगह, क्योंकि जो आगरा में कैफे बन रहा था उस कैफे में ही उन्हें ऐसी जगह दे देंगे कि कोई तोड़ नहीं सकेगा। लखनऊ में भी दी मैंने, सबसे सुंदर अच्छी जगह दी। वो भी सुनने में आया कि हटाना चाहती है सरकार। बताओ कैसी सरकार है, कैसी घटनाएं हुई उनके साथ, तो इससे क्या उम्मीद करोगे ऐसी सरकार से। इसलिए उन बेटियों को हम आश्वासन देते हैं, उन बेटियों को, उन बहन और बेटियों को मैं आश्वासन देता हूं कि जब भी समाजवादी सरकार बनेगी हम उनको बेहतरीन जगह पर, और यही कैफे जो बन रहा था इसी सरकार के कैफे में बना करके उन्हें जगह उपलब्ध कराएंगे। शायद इससे बेहतर जगह आगरा में कहीं नहीं होगी। लेकिन लेकिन खैराना ने नाम न लो, बाकी गोरखपुर ने और फूलपुर ने जनता ने नंबर दिए हैं, और मैं समझता हूँ केवल जनता इंतजार नहीं कर रही है, आप में से कुछ लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि तारीख जरा चुनाव की आ जाए तब हिसाब किताब पक्का हो जाए। वो एक अच्छे मंत्री हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ।